हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा। तो आज हम अपने गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे और एक्रेलिक कलर से उनका श्रृंगार किया है। महाशिवरात्रि स्पेशल श्रृंगार है ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने गोपाल जी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका श्रृंगार करना। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं श्रृंगार के बाद हमारे गोपाल जी। तो पहले हमने गोपाल जी के लिए कलर्स निकाल के रखे हैं, कुछ बिंदी भी लेंगे हम। और पहले उनका फेस हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे हैंकी के हेल्प से। थोड़ी हैंकी को वेट करके और उनका फेस अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैंने उनकी ड्रेस उतार दी है ताकि अच्छे से उनका श्रृंगार हो पाए, नहीं तो ड्रेस मुड़ती रहती है बार बार। तो ब्लैक कलर से पहले मैंने इनका आईलाइनर बनाया है। ये देखिए, मैंने इनके आईज के चारों तरफ मैं आईलाइन ड्रॉ करूंगी, लाइन ड्रॉ करूंगी ब्लैक कलर की। काजल और आईलाइनर दोनों का काम करेगा ये। कुछ इस तरीके से आप दोनों आईज को आईलाइनर से या फिर कलर से भी आप इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स यूज किए हैं, आप चाहे तो आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने आईज का आई डेकोरेट कर दिया इनका। इसी टाइप से आप दोनों आईज को कलर कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं काजल लगाने के बाद। अब यहाँ पे हमने काजल लगाने के बाद ये इतने सुंदर लगने लगे हैं। और अब हम इनकी आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। आईब्रोज भी आप ब्रश की हेल्प से ही बना लीजिए। जीरो नंबर की ब्रश से बहुत अच्छा श्रृंगार हो रहा है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। महाशिवरात्रि स्पेशल श्रृंगार है, महाशिवरात्रि के टाइम पे आप इनका श्रृंगार करिए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनकी आई बॉल को थोड़ा बड़ा करेंगे कलर की हेल्प से। जिस तरीके से आप आई बॉल को बड़ा कर लीजिए ताकि उनकी आंखें और भी सुंदर लगे। ये देखिए, हमारी गोपाल जी की आंखें कितनी सुंदर लगने लगी। अब बारी है इनकी लिप्स की। हम इनके होंठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाएंगे। देखिए, आप पिंक कलर भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे गोपाल जी पर रेड कलर बहुत सूट करता है, तो गोपाल जी को रेड कलर की ही लिपस्टिक लगाएंगे। गोपाल जी हमारे 5 नंबर के हैं, इनका साइज 5 है। और इनके फेस पे श्रृंगार कितना अच्छे तरीके से होता है, देखिए। मैंने येलो कलर के कलर से इनका तिलक लगाया है, कुछ ऐसा। ये मैंने माचिस की तीली के हेल्प से लगाया है, ब्रश से इतना क्लियर नहीं आता, बट हाँ ब्रश से भी आ जाता है, पर माचिस की तीली से बहुत ही इजीली लग गया है तिलक। और देखिए कितना सुंदर और प्यारा सा लगा है, एकदम बहुत प्यारे लग रहे हैं तिलक में ये। अब हम तिलक के बीच में रेड कलर से उनका तिलक को कंप्लीट करेंगे। बीच में रेड कलर कर लीजिए आप, और आप वाइट कलर भी ले सकते हैं। अभी मैं तिलक में ही वाइट कलर का यूज करूंगी, वो बहुत अच्छा लगेगा। आप येलो कलर की जगह वाइट भी यूज कर सकते हैं, बट येलो या फिर वाइट कुछ भी करें, बट बीच में रेड कलर का ही तिलक लगाएं, बहुत सुंदर लगते हैं माय गोपाल जी। अभी मैं वाइट कलर से उनका तिलक पूरा कंप्लीट करूंगी, लास्ट फिनिशिंग दे दूंगी वाइट कलर से। थोड़ा उनका तिलक उठा उठा दिखेगा और बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा उनका तिलक। तो जिस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से, ये मैंने आपको खिंचे की हेल्प से भी दिखाया था, अब मैं आपको ब्रश की हेल्प से भी दिखा रही हूँ कि कैसे तिलक लगा रही हूँ। अब बहुत ही धीरे धीरे लगाएं ताकि ये फैले ना, नहीं तो कलर इधर उधर हो गया तो बहुत ख़राब हो जाता है तिलक। बहुत मुश्किल में तिलक लगता है, इसलिए बहुत इजी और बहुत ही धीरे से आप एक्रेलिक कलर्स की जगह आप ओरिजिनल चंदन भी यूज़ कर सकते हैं। पीला चंदन और केसर का चंदन भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप गोपाल जी के तिलक के लिए। अब मैंने यहाँ उनकी ड्रेस से मैचिंग कलर लिया है ऑरेंज, और मैं उनके आईब्रोज के ऊपर थोड़ा शेड टाइप कर दूंगी, और उससे उनका पूरा अच्छा फाइनल लुक आएगा। थोड़ा सा गोपाल जी को ऐसा
डेप्थ में से इस टाइप में पकड़ कर आप तिलक लगाएं तो ईजिली आपसे बन जाएगा दोनों साइड में, नहीं तो एक अलग लगेगा और एक अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सेट करके लगाएं। ये देखिए कितना सेटेड आया है, एकदम अच्छे तरीके से लग चुका है ये। अब हम इसको वाइट और रेड कलर के डॉट से डेकोरेट करेंगे। यहाँ ओरिजिनल चंदन भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा, और ओरिजिनल चंदन ही लगाना चाहिए। फिलहाल मैं एक्रेलिक कलर से इनका श्रृंगार कर रही हूँ, ओरिजिनल चंदन के साथ भी इनका श्रृंगार कर मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने वाइट कलर के डॉट्स इस तरह कर लिए हैं, सेम आप दूसरी साइड भी कर लीजिए। अब हैंड अच्छे से गोपाल जी को हैंडल करके रखिएगा, अच्छे से पकड़ कर रखिएगा ताकि वो गिरे ना, नहीं तो बहुत जल्दी फिसल भी जाते हैं गोपाल जी। ये महाशिवरात्रि स्पेशल श्रृंगार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो हमारे वीडियोस में नए हैं वो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ये देखिए हमारे गोपाल जी का पूरा श्रृंगार होने वाला है कुछ देर में। ये रेड कलर के डॉट्स वैसे ज़्यादा दिख नहीं रहे, पर फिर भी मैं क्लोजअप से उनके रेड कलर के डॉट्स और वाइट कलर के डॉट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं दोनों कलर के डॉट्स ज़रूर लगाती हूँ उनके, बहुत सुंदर लगते हैं हमारे गोपाल जी। गोपाल जी का श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से हम श्रृंगार कर लेते हैं, और ये देखिए इनका श्रृंगार लिमिट हो ही गया है लगभग। अब बारी है इनके चिक्स की, तो मैं इनके चिक्स पर बिंदी का इस्तेमाल करूँगी। बिंदी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये कुछ स्टोन की मैं बिंदी लेकर रखती हूँ इनका श्रृंगार करने के लिए। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर यूज़ करती हूँ ताकि बिंदी जो अच्छी तरीके से उसमें चिपक जाए, क्योंकि बिंदी का ग्लू इनके बॉडी पे नहीं लगता है और बिंदी फिर थोड़ी देर में निकल जाती है, इसलिए आप कलर यूज़ कर लीजिए, कलर के ऊपर बिंदी लगा दीजिए तो वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाती है, और फिर बाद में आप अपने हाथों से जब निकालेंगे तो वो ईजिली निकल भी आएगी। इस तरीके से आप यूज़ करिए बिंदी को, और ये देखिए कितने प्यारे लगने लगे। अब हम इनका माथे में एक स्टोन लगाएंगे, ये छोटे स्टोन की बिंदी जो आती है आप वो यूज़ करिए, या फिर सेम बिंदी यूज़ कर सकते थे, बड़ी बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं छोटी बिंदी यहाँ यूज़ कर रही हूँ उनके स्टोन वाली माथे पर। देखिए बहुत ही प्यारे लगने लगे हमारे गोपाल जी। अब ये देखिए हमारा गोपाल जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। अब बारी है यहाँ पे इनके काले टीके की। इनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं हमेशा श्रृंगार करने के टाइम पे इनका काला टीका लगा देती हूँ जिन पे, ताकि मेरे गोपाल जी को नज़र ना लगे। अब इनका श्रृंगार कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। अब हम इनके चेस्ट पर पीले रंग से राधे राधे लिख देते हैं, राधे लिख देते हैं। आप चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन से भी आप राधे लिख दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आता है ऐसा राधे लिखवाना। तो मैं इनके श्रृंगार जब भी करती हूँ तो ऐसा राधे ही लिख देती हूँ, कुछ इस तरीके से राधे लिख लीजिए आप भी अपने गोपाल जी में। और ये देखिए हमारे राधे लिख गया है इनके चेस्ट पर, और अब हम इन्हें ड्रेस पहना कर, इनका पूरा श्रृंगार हो गया है, अब हम इन्हें ड्रेस पहना देंगे इनकी, जीवर पहना देंगे उनके। देखिए हम मोती की माला, तो मैंने ये सारे घर में मोती के माले बनाए हैं उनके लिए। देखिए मैं मोती की माला पहना देती हूँ, इन्हें मोती की माला पहनना बहुत पसंद है मेरे गोपाल जी को, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोती की माला ही पहनाती हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा न्यू अपडेट्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।
बाल ने इनके कर्ली वाले हेयर्स लगाए हैं इनको, और अब इनकी मुकुट की बारी। मुकुट लगा देंगे, ये स्टोन का मुकुट बहुत ही सुंदर लगता है इनको। इनकी बांसुरी रह गई है, ये सारी ड्रेस और मुकुट उनकी बंगे हैं। तो ये रहा ओवरऑल व्यू, कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।